दोस्तों घर पर लेटा हुआ था, पता चला कि यहाँ पर आज ये जो एक नया दशहरा लग रहा है पवेलियन मॉल के सामने, वो पवेलियन मॉल है ना, ये ग्राउंड थी यहाँ पर, गलाडा की ग्राउंड है ये, यहाँ पर पहले पुरानी कचहरी होती थी, जैसा गलाडा के पास चली गई, पंजाब गवर्नमेंट के पास जगह चली गई थी। तो देखिए जहाँ पर इन्होंने सोचा क्यों ना अबकी बार दशहरा मनाएं, वो सामने देखे कोई पूजा कर रहे हैं, वो गणेश जी की, सभी लोग हैं वहाँ, गणमान्य जो हैं अतिथि भी आए हुए हैं इनके, तो जहाँ पर ये झूले वगैरह लगाने की तैयारी चल रही है। सामान तो ये ले आए हैं, कल को पहला नराता है, और देखे वो सामने कुछ लोग पूजा करा रहे हैं और कुछ लोग उनको लोरी दे रहे हैं। एक भाई साहब जो खड़े बोल रहे हैं उनका नाम ले रहे हैं, तो इधर थोड़ा सा घूमता हूँ मैं, ये आपको मैं दिखाता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जो कुर्सी पड़ी जहाँ बैठ गया मैं थोड़ी देर के लिए, और जहाँ कुछ झूले भी लग गए हैं। और देखिए ये थोड़ा बहुत जितना जुगाड़ हो सका, पहली बार झूले लग रहे हैं ना, तो बड़ा मैरी गो होता है, वैसे बड़ा बड़ा घूमता है वो मैरी गो राउंड वाला, शायद वो झूला नहीं उनको मिला। जसफाई भी हो गई यहाँ पर इसी बहाने, बहुत कूड़ा क्रिकेट पड़ा था इधर। चलो लुधियाना वासी देखेंगे, हम भी आपको दिखाते रहेंगे, जैसे जैसा मैं देखूंगा वैसा वैसा आपको दिखाऊंगा। दूर बैठा हूँ, दिखाता रहूँगा जो कुछ पता चलेगा मेरे को। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब होता है जो भी हम खोजबीन करते हैं, जो कुछ हम देखते हैं वही आपको दिखाते हैं। घंटी भी बजा दो, हो सकता है वीडियो अगला आपके पास पहुँच जाए, भाई रिक्वेस्ट ये है हमारी आपसे। क्या बात है, तारीख में साढ़ा क्लास फेल हुई है तो साढ़ा बचपन का साथी चले सर। देखिए आपने सभी मेंबर हैं जहाँ पर, जिन्होंने अपनी बड़ी लगन के साथ मेहनत के साथ जहाँ पर ये जो इस समय मेले का आयोजन किया है, तो अपना क्या कहना चाहते हो अपना मित्तल साहब? श्री पाल जी, जो आज सिविल लाइन दे विच एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, इसके वास्ते मैं शहर वासियों को मुबारकबाद दे रहा हूं। देखिए मुबारकबाद दे रहे हैं, जो सभी लोग मुबारकबाद दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है। और देखिए जहाँ जो हमें मिलती है, हम उन सभी को कहते हैं कि आप प्रभु के चरणों में आए, देश को साले की तरफ जाए, चोरी बेईमानी और घरेलू झगड़े छोड़े, जरा अपने जो राम बने आप सभी। भगवान श्री राम ने दुष्टों को नाश किया था, हम उनके जो अनुसार में चल रहा है। हाँ चलो आप भी चलो, धन्यवाद। अभी हमारे काफी दुष्ट है हमारे देश में, उनका नाश करना है। करना है, बहुत है, बहुत है, अभी आपने बहुत कुछ करना है, रामलीला से सीखो सब। हाँ मैं क्या सब ने देखे मैं, पर सारी शक्लें बदल गई हूँ। अरे प्रभु जी, तुम बड़े दयालु हो, तेरा भेद किसी ने ना पाया। पुराना साथी सारा, मैं के पुराने साथी हैं भाई, आज मिलके सभी लोग। थैंक यू थैंक यू। और देखिए जहाँ पर चलते चलते हम जहाँ जाते हैं तो भगवान के हम दर्शन कर लेते हैं, सभी में प्राण में ईश्वर है। बस ठीक है मेरे भाई, हमारे इस कार्यक्रम के जो प्रमुख मैं समझू सेवक हैं, सुनील मेहरा जी, डॉक्टर श्री शंकर जी, हरकेश मित्तल जी, मैं यहाँ तमाम महानुभाव जो बैठे हुए हैं उन सभी को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय आज गणेश पूजन के अवसर पर यहाँ पे दिया है। जिस तरह का मैं देखिए यहाँ पर फोटो होने लगी है और सभी ने मुंह घुमा लिए हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री रजनीश निर्माण जी का, श्री गुरुदेव शर्मा देवी जी का,
जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन से पूरे व्यस्तता से टाइम निकाला है और इनका सहयोग भी हमें बहुत मिल रहा है और मैं आशा करता हूँ इनका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा और आगे जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं माइक सुनील जी को दोबारा देता हूँ, वो आपको सूचित कर रहे हैं। सभी हाँ, कुछ नहीं बदला, जैसे पहले होता था वैसे चल रहा है। तो प्रवीण शर्मा जी और अश्विनी महाजन जी से संपर्क करें और इन्होंने राम, क्या हाल है तेरा? ठीक ठाक, प्रभु जी जय हो। देख लो वही चेहरे हैं। अभी फोटो होगी हमारे पास संजीत महान जी जो मिल्लतन राम सेवा संघ के प्रमुख है, यहाँ पर मौजूद है। विक्रम सिंधु जी, गुरुदेव शर्मा, जेपी जी, आप सभी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब अखबार वाले फोटो लेंगे और सभी कृपया फोटो के लिए पेपर्स के लिए सभी अपनी अपनी जगह पे आ गए हैं। सभी खड़ जाएं, सारे पठा दो। फोटो हो रही है और देखिए जो गाड़ियों में आए सभी लोग, जहाँ पर अभी फोटो होने लगी है, अखबार में फोटो छपेगी कल को सभी की। भाई हम मना रहे हैं जय दशहरा ग्राउंड, ये स्टेज पर बैठे होंगे और हम नीचे खड़े होकर और तालियां बजा रहे होंगे दशहरे वाले दिन। भैया रात दिन की मेहनत जय रंग लाएगी ना। ये देखिए गाड़ियाँ आई, गाड़ियाँ हो चुकी हैं यहाँ पे। ये गाड़ियों वाले जहाँ पर आए हैं और जो हम लोग जो दर्शक होंगे जहाँ पर जो मेला देखने आएंगे इनको भी देखेंगे। वो देखिए, देखिए यार, धर्म के नाम पर यह कर्म हो रहा है। धर्म पर आज लोगों को मोटिवेट करने के लिए, धर्म की पूजा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो लोग कि आओ हम लोग राम का नाम लें। महसूस कर रहे हो अपना दशहरा मेला? राम जी का जो नाम आता है महसूस तो प्रसन्न ही होना चाहिए। राम जी, अज गणेश पूजा हुई है, शुभ आरंभ होया दशहरे का। मैं समझता कि समुची दुनिया नु मानवता नु एक संदेश है, राम राज की कल्पना करते हैं। राम राज यही असि आपस से मिल वंट के रहिए, प्यार ना रहिए, अपने परमात्मा के जो दिन मनाते रहिए, अवतारा के दिन मनाते रहिए। इस तो वधिया कोई गल नहीं। देखिए कहते हैं कि जो राम का दिन है सभी के लिए खुशमया हो और चोरी ठगी बेईमानी छोड़कर हम प्रभु की जो राम राज्य है उसी में हम प्रवेश करें। भाई राम राज्य बनाने की कोशिश करें। यदि कहे काटू वाले महाराज हैं, ठीक ठाक सुनाओ और जी ये हाला महाराज तो सुनाओ जी, ठीक ठाक जी के चाह भी ले आया थी, वैके चाह मिल गई यहाँ पर, जहाँ चाय भी है यहाँ पे, चाह भी बुलाते सागर जी चाय भी। और देखिए चला ले भाई, चला ले तुम्हें मोबाइल, जिंदगी इसी में मोबाइल में। थले आएगा तू तो उपर किसी ने बना के फोटो खींचे।
तो देखिए श्री खाटू सांग भूमि पूजन रविवार 2 अक्टूबर को कंट्री विला कॉलोनी पक्खोवाल रोड पर हो रहा है। ये भी यहाँ पर जो प्रभु के भक्त हैं जहाँ इनको इनवाइट करने के लिए आए हैं राम जी के भक्तों को, तो देखिए जहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ये लोग जो अभी राम लीला जो शुरू होने वाली है कल से, उसमें जो सभी लोग आए हुए थे मैंने देखा यार चलते चलते, तो मैंने क्या क्यों ना इनको भी हम शूट कर लें, चाय भी मिलने लगी है। बाकी जो लड्डू वगैरह थे 2 डब्बे थे इनके पास, एक बर्फ़ी का था, वो तो सब निपट गया, ऊपर ही नीचे तक नहीं आया। कोई बात नहीं, चाय पीने को तो मिल जाएगी सभी को। चलिए चलते चलते जो देखा मैंने आपको दिखा दिया, जैसा मेला लगता है जो हमारे लुधियाना शहर में पंजाब में ये रामलीला ऐसे शुरू होती है, हम वो दिखाते हैं जो देखते हैं। प्रभु जी और क्या हाल चाल है? ठीक है जी। हैं तो देखिए मैंने देखा है जहाँ पर प्रभु भक्त इकट्ठे हुए हैं, राम के भक्त इकट्ठे हुए हैं, तो सभी ने जहाँ पर आयोजन किया है, जहाँ पर बहुत जाने की गंदगी फैली हुई थी सब साफ़ हो गई। अब जहाँ पर मेला लगेगा दूर दूर से लोग आएंगे। और इस मंगलवार को श्री सुंदरकांड पाठ का यहाँ पे 6 बजे से लेके 9:30 तक आयोजन है, तो आप सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा से कोशिश करेंगे, हमारे घर पास ही है तो आ जाएंगे भैया, कोई बात नहीं, मंगलवार को भी आएंगे देखेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ चलो कोई बात नहीं, खुली जगह पार्किंग जहाँ मिल जाएगी, सबसे बड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, पार्किंग जहाँ बहुत है। चलो ठीक है, और देखिए जब वकील साहब भी मिल गए मेरे को, और सर की हाल चाल है? बहुत वधिया जी। अच्छा दसो अज तुम इतने आए नहीं हो, अज राम जी का जड़े कि गणेश पूजन होया हैगा वा, तो कल तो रामलीला भी शुरू हो जाऊगी, तो किहो जिहा लग रहा तुहानू जाने की आए जी रामलीला ते राम दे जिहड़े गुणगान होणगे? समाज दे विच धार्मिक काम करना ये समाज की बेहतरी वास्ते बहुत ही वधिया कदम है, जिहदे वास्ते असी सुनील मेहरा जी नूं साडे सीनियर कौंसल के आर सीकरी साहब नूं असीं वधाइयां दिंदे आ कि उन्होंने इन्ना वधिया परमात्मा का गुणगान करन दा एक उपराला किया, जिस नाल साडे परिवार दे विच साडे शहर दे विच साडे देश दे विच परमात्मा का हमेशा आशीर्वाद बनिया रहे, जिस नाल परिवारां दे विच तंदुरुस्ती भी रहे, नेकी ते बदी की जिहड़ी लड़ाई आ उहदा प्रतीक दशहरा त्यौहार बड़ी ही धूमधाम नाल मनाया जा रहा है, जिस दे वास्ते असीं सारे शहर निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उन्होंने सद्दा भी दिंदे आ कि तुसीं इस धार्मिक समागम दे विच पहुँच के वड्डी तो वड्डी गिणती दे विच अपनी हाजिरी लवाओ और अपना जीवन सफल। वो देखिए बिक्रम जी जी ने बताया कि आपको भी जहाँ पर राम का जो गुणगान किया जाएगा उसमें भाग लेना चाहिए, तो देखिए चलते चलते हमने आपको दिखा दिया है, चाय का समय हो चुका है, टी ब्रेक है, हम चाय पियेंगे उसके बाद घर चलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आओ भाई देवी साहब जाते जी, आप कुछ कहना चाहोगे मेहरा साहब? लुधियाना के लोगों को असि खुला निमंत्रण देने हाँ, भगवान श्री राम का इस साल राम जन्म भूमि का सपना पूरा होया और इस अवसर के उत्ते प्रभु राम जी जन्म भूमि तो राम सेना रावण सेना हनुमान सेना आएगी और लुधियाना के दशहरा ग्राउंड पूरा ग्राउंड पुरानी कचहरी के अंदर राम सेना रावण सेना हनुमान सेना का दृश्य देखने वाले होंगे। और लुधियाना निवासी हो पहले नराते तो 10वें नराते तिकन 6 अक्टूबर तिकन विशाल मेला और प्रभु राम का सीरियल भी दिखाया जाएगा रामानंद सागर का, आओ प्रभु की कृपा प्राप्त करो। जय श्री राम। और देखिए जंगल में मंगल हो गया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और देखिए जहाँ पर जंगल में मंगल हो गया, जहाँ पर बिल्कुल सफाई हो चुकी है, और देखिए हम चलते हैं यार, कई बार मैंने कहा चलते हैं फिर मैं रुक जाता हूँ। और देखिए खुशी जी मेरे सामने, सिकरी साहब अपना साहब मेरे सामने है, बताइए जी मेले में क्या खासियत है? आप लोग कहते हैं बड़ी खासियत है, मेले में बहुत लगते हैं, तेरे में क्या खासियत है इस मेले में भाई? हाँ जी, हाँ जी, जरूर
सब तो पहली गल मेले का जो प्रचार हो रहा है उस दे विच किसे तरह का पोलीटिकल या किसी भी लीडर या किसी भी उद्योगपति की फोटो असी प्रभु के मैटर विच नहीं वाड़ रहे। ये सब तो वड्डी गल है। मैं टोक रहा थानू जब फोटो नहीं लगू तो पैसे कौन देगा थानू फिर? सर थले एक पट्टी है। हाँ जी। वो बंदा जेड़ा अपना बोर्ड लगवांदा वो थले पट्टी ते है अपना फर्म का नाम लगवाए अपनी फोटो लगवाए लेकिन साढ़े प्रभु राम के मैटर नू डिस्टर्ब नहीं करेगा। और दूजी गल साडी जिहड़ी इत्थों सिकरी साहब के हुक्म अनुसार होया सी जिन्हें भी मैंबर है वो किसी पीरखाने के मैंबर नहीं होणगे वो किसी मजार के पूजन वाले नहीं होणगे वो सनात नहीं होणगे। अगर कोई बंदा एक सनात नहीं होके मूर्तियां तोड़न वालियां दा अनुयायी बनेगा तो उनकी मैंबरशिप ऑटोमैटिकली कैंसल हो जाएगी उनू कोई नोटिस नहीं जाएगा। ये तुहाडा जिहड़ा रिकॉर्डिंग है यही नोटिस है कि अंदरों तो बाहरों सनात नहीं होके साडे विच आओ ते तुहाडा खुले दिल नाल स्वागत है। दोगले जयचंद साडे विच नहीं होणगे। देखिए कुछ जी ने बताया जे सब बिना पॉलिटिक्स के और बिना जाने के सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार ही मनाया जाएगा। सब तो वड्डी गल साडे इत्थे सीता माता जिहड़ी बनेगी वो भी एक लड़की का लड़की स्वरूप धारेगी। सीता माता वनवासी रूप च होएगी और जिथे असी दशहरिया जाते सरूप नखा बहुत डरावना तो काली कलूटी दिखाते हैं लेकिन सरूप नखा इन्नी सोहनी सी जिन्हें कि राम का मन मोहना चाहिए। राम जी ने कहा मेरी तो गौरमेंट मेरे नाल है मेरी सरकार मेरे नाल है। लक्ष्मण कल्ला आया उधर देख तो लक्ष्मण ने भी कहता कि मेरे अगे पाप ना कर असी अपने शास्त्र अनुसार अपने जेड़ा रामलीला का दशहरा होएगा अदो जी सरूप नखा आएगी इतों की जड़ी मर्जी लेडी हो उनका ड्रेस कोड तो उनकी सुंदरता उनके अगे किसी की भी नहीं होएगी सब की फिक्की पाएगी। सब तो सोहनी साडे जी स्टेज पर कलाकार होएगी वह सरूप नखा होएगी और जड़ी सब तो सादी होएगी वह माता सीता होएगी। और सब तो इंपोर्टेंट गल सीकरी साहब के हुक्म अनुसार साडे स्टेज के उत्ते जड़े भजन गाए जाएंगे या शब्द कीर्तन गुरबाणी के गाए जाएंगे या प्रभु राम दे या कृष्ण दे कोई ओम साई राम का जयकारा भी लाएगा तो असी उन्हें 295A की धारा लावांगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।